नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को स्मॉलर वेस्ट वर्कआउट बताऊंगा, यानी कि आप लोगों की जो कमर की जो साइड की जो चर्बी है उसे हम लोग रिड्यूस करने के लिए एक वर्कआउट प्लान आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो ये जो साइड की जो चर्बी है, या हम लोग कहें ग्लूट्स की जो चर्बी है या ग्लूट्स के ऊपर की जो चर्बी है, उसे हम लोग रिड्यूस करेंगे आज कुछ वर्कआउट करके। तो आप तैयार हो जाइए वर्कआउट करने के लिए, और अपनी स्लिम वेस्ट के लिए भी तैयार हो जाइए। स्लिम वेस्ट का होना ज़रूरी क्यों है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जब आप लोग, पहली बात तो ये होता है कि जब आप लोग कपड़े पहनते हैं तो वो जो है नीचे से जो है वो बड़े हो जाते हैं, तो उसको रोकने के लिए आप लोगों को स्लिम वेस्ट की चाहिए होती है। दूसरा, जब आप लोगों की बेली रिड्यूस होता है हो जाती है या साइड का फैट रिड्यूस हो जाता है, तो बहुत सारी बीमारियाँ भी दूर होने लगती हैं, या कोलेस्ट्रॉल जैसी प्रॉब्लम भी आप लोगों को नहीं रहती। तो स्मॉलर वेस्ट का होना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ ही आप लोगों को गैस, एसिडिटी इत्यादि की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि आप लोगों की जो बॉडी है वो एक अट्रैक्टिव लुक देती है, और या हम लोग कहें कि आप लोग हेल्दी रहते हैं, फिट रहते हैं, फाइन रहते हैं और ब्यूटीफुल रहते हैं, तो उससे अच्छी बात आप लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक स्मॉलर वेस्ट वर्कआउट, और ये सभी वर्कआउट जो है वो 40 सेकंड्स के रहेंगे। कौन कौन से वर्कआउट्स जो है इसमें मैंने शामिल किए हैं, 10 सेकंड का हर के बीच में गैप रहेगा। सबसे पहली जो एक्सरसाइज की अगर हम लोग बात करें, तो इसमें आप लोगों को एक बोतल हाथ में रखनी है, या आप लोग डंबल्स भी हाथ में रख सकते हैं कुछ ग्राम का, और जैसे 500 ग्राम का रख लिया या 200 ग्राम का रख लिया, 200 ग्राम इनफ है, 200 ग्राम का डंबल आप लोगों ने रख लिया। उसके बाद में आप लोगों को ट्विस्टेड पेयर एक्सरसाइज करनी है, और उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में आप लोग टच कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग जो है उनको सरफेस से हटाइए और ऊपर हवा में रखिए। अब आप लोगों को 40 सेकंड तक उस बोतल को दाएं और बाएं जो है दोनों हाथों से पकड़ना है, बोतल को एक हाथ से नहीं, दोनों को आपस में एक दूसरे से टर्न करना है, ठीक है। तो इससे आप लोग देखिएगा कि जल्दी आप लोगों की जो वेस्ट है वो स्मॉलर बनने लग जाएगी, आप लोगों की जो कमर की जो साइज़ है वो कम होने लग जाएगी। तो अगर आप लोगों की कमर की साइज़ जल्दी कम होना है तो आप लोग ये सभी वर्कआउट्स करेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरा वर्कआउट जो है वो एक प्रकार का सिटअप है, और इसमें आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान रखना है आप लोगों को सांसों की जो प्रोग्रेस है उस पर भी ध्यान रखना है। जैसे कि दोनों घुटनों को मोड़ते हुए आप लोग जो है अपने पैरों को आपस में ज़मीन पर रख लीजिए। अब जो है वो एक कारपेट पर आप लोग लेट सकते हैं, जो आप लोगों की योगा मैट है। अब आप लोगों को अपने दोनों हाथों को सर के पीछे की ओर लेकर जाना है, और अब जो है आप लोगों को घुटने से अपने जो चेस्ट है उसको टच करना है जब आप लोग खड़े रहें तो, और जब आप लोग खड़े रहेंगे तो आप लोगों को सांस छोड़ना है, और जब आप लोग लेटे रहेंगे तो सांस लेना है। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड तक सिटअप्स जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को करनी है। इससे आप लोगों की जो कमर की साइड है वो भी कम होगी, और साथ ही आप लोगों का बैली फैट भी रिड्यूस होगा। 10 सेकंड का रेस्ट जो है वो कम होने के बाद में आप लोग नेक्स्ट वर्कआउट करें, और वो जो तीसरा वर्कआउट है उसमें आप लोगों को क्या करना है, साइड प्लैंक जो है उस पोजिशन में आप लोगों को आना है, जैसे कि आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को सिमिलरली आप लोगों को कोहनी को भी पैर की ओर लेकर जाना है, और पैर का जो घुटना है उसको भी कोहनी के पास की ओर लेकर आना है। इससे अगर आप लोग देखेंगे तो जो कमर की जो साइड की जो चर्बी है वो आप लोगों की इतनी जल्दी रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि इससे ऑब्लिक्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लग जाएंगे, टोन होने लग जाएगा, और इससे बॉडी भी टोन होने में आप लोगों की मदद मिलेगी आप लोगों को। तो ये आप लोगों का वर्कआउट है, ये भी आप लोगों को करना है। इससे आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगी, और बॉडी आप लोगों की टोन होगी। तो तीन जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और ये रेस्टिंग टाइम था। फोर्थ वर्कआउट जो है आप लोगों का एक प्रकार का क्रंच है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथ जो है अपनी गर्दन के पीछे रखने हैं, और घुटना मोड़ते हुए आप लोगों के जो तलवे हैं पैरों के उसको सरफेस पर आप लोगों को रखने हैं। अब साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ आप लोगों को अपनी गर्दन को भी उठाना है, और अपने घुटनों को भी अपने चेस्ट की ओर लेकर आना है। तो इससे देखिएगा आप लोगों का लोअर बेली फैट जो है वो कितना जल्दी रिड्यूस होता है। देखिए, लोअर बेली फैट को रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप लोग ओब्लिक्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साइड फैट है या स्मॉलर वेस्ट वर्कआउट अगर आप लोग कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है आप लोगों को। तो इस वर्कआउट को आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करना, और उसके बाद में आप लोगों को क्या लेना है, रेस्ट लेना है, ठीक है। तो रेस्ट लेने के बाद आप लोगों को फील करना है गुड फील, क्योंकि ये बैली का वर्कआउट नहीं है, आप लोगों की वेस्ट का वर्कआउट है, और इसमें आप लोगों की कमर की साइड को आप लोगों को कम करना है। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों के लिए पांचवा वर्कआउट, और इस वर्कआउट में आप लोगों को क्या करना है, तितली की तरह आप लोगों के अपने को पैरों को अप एंड डाउन करने हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोगों को एक वी पोजीशन अपने शरीर से बनानी है, यानी कि अपनी गर्दन को आप लोगों को उठाना है थोड़ा सा सरफेस से तकरीबन 60 डिग्री पर। उसके बाद में अपने पैरों को सरफेस से उठाना है, सरफेस में नहीं रखना है। दोनों हाथों को अपनी जांघों के पास रखना है। अब अपने पैरों को अप एंड डाउन करना है, तो इससे आप लोग देखिएगा कि आप लोगों का बैली फैट जितना जल्दी रिड्यूस होता है और साइड का फैट भी आप लोगों का रिड्यूस हो जाएगा। या हम लोग कहें लव हैंडल्स आप लोगों का बहुत अच्छा और टॉन्ड और स्मूथ बनेगा। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए। अब आ चुका है आप लोगों के पास फिर से रेस्ट, तो 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट करना है। अच्छी सी धूप लेनी है आप लोगों को, और उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट करना है रिवर्स लेग क्रंच। रिवर्स लेग क्रंच भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसको आप लोग 40 सेकंड्स तक करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा जो है वो मिलेगा। ये छठा वर्कआउट आप लोगों के पास है। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास रखिए, या आप लोग नीचे भी रख सकते हैं। उसके बाद में अपने दोनों पैरों को घुटना मोड़ते हुए जो है वो चेस्ट की ओर आप लोग लेकर आएँ। इससे आप लोग जो हैं बहुत अच्छा वर्कआउट है, और लोअर बैली के लिए तो बहुत अच्छा वर्कआउट है ये रिवर्स क्रंच। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, 90 डिग्री पर जब आप लोगों के पैर हों उसी पोजीशन पर आप लोगों को रखना है, और आप लोगों को लोअर बैली को अपर बैली की ओर जो है पुश करना है ऊपर की ओर। तो इस बात का आप लोगों को फोकस रखना है। तो इसको आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करना है, और उसके बाद में फिर से लेना है आप लोगों को रेस्ट। तो 10 सेकंड का रेस्ट इनफ है, और 10 सेकंड के बाद आप लोग अपनी कमर की साइज़ को देख सकते हैं कि वो कितनी जो है वो ज़्यादा टाइट होने लग गई है वहाँ की चर्बी। अब आप लोगों को वी अप क्रंच करना है, और वो भी 40 सेकंड्स के लिए। इसमें आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। पहले अपने योगा मैट पर लेट जाइए, उसके बाद में अपने पैरों को उठाइए और दोनों पैरों को आपस में क्रॉस कर लीजिए, और पैर जो है आप लोगों की स्पाइन से 90 डिग्री के ऊपर होने चाहिए। अब अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को आपस में बांध कर रखिए, और अपने पैर की ओर लेकर जाइए, अपने पैर की जो अंगुलियाँ हैं उनकी ओर लेकर जाइए। इससे आप लोग क्या करेंगे कि आप लोगों के बीच में जो है टाई अप होगा, यानी कि टाइट जो है आप लोगों की कोर जो है वो होने लगेगी, और इससे आप लोगों की जो चर्बी है वो खत्म होने लगेगी। तो ये भी आप लोग 40 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं, और उसके बाद में आप लोगों का ये वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो आठवां वर्कआउट है वो आप लोगों का सामने आ जाता है। तो 10 सेकंड का रेस्ट ले लीजिए उसके लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों का प्लैंक हिप डिप वर्कआउट, और इसको भी आप लोगों को स्मूथ वे में करना है। इसमें आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगी, और साथ ही आप लोग जो है एक फिश शेप जो है आप लोगों की बॉडी की बन जाएगी। तो आजकल सभी चाहते हैं कि उनका जो फिगर हो वो कर्वी फिगर हो, यानी कि मछली जैसा फिगर हो। तो अगर आप लोगों को मछली जैसा फिगर चाहिए है तो आप लोगों को हिप डिप वर्कआउट बहुत अच्छी मदद दे सकता है। तो ये वर्कआउट जो है आप लोगों की जो कमर की जो साइड है उसकी जो चर्बी है उसको रिड्यूस करने में आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करेगा, साथ ही आप लोगों की जो ग्लूट्स हैं उनको एक अच्छी शेप भी देगा। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए। और अब फिर से 40 सेकंड्स के बाद हम लोग 9वें वर्कआउट पर जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ये आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मसल्स की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों के पास 9वां वर्कआउट, और ये इसे हम लोग नाम देंगे स्पाइडर प्लैंक। स्पाइडर प्लैंक का मतलब है आप लोगों को हाई प्लैंक पोजीशन पे सबसे पहले रखना है अपने आप को, उसके बाद में अपना जो घुटना है उसको मोड़ते हुए सेम कोहनी की ओर आप लोगों को लेकर आना है, ठीक है। अब यही सेम जो है आप लोगों को दूसरे पैर के साथ भी करना है। तो इस ऐसा वर्कआउट करने से भी आप लोगों की, अगर आप लोग देखें तो उसी साइड की जो चर्बी है, उसी साइड का जो लव हैंडल है वो स्मूथ बनने लगता है, ठीक है। ऑब्लिक्स जो है वो स्ट्रांग बनने लगेंगे, तो अपने आप ही जो बाहर की जो चर्बी है वो अपने आप ही रिड्यूस होती जाएगी। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी साबित हो सकता है, और साइड की चर्बी को रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अब आप लोगों को ऐसी, अगर आप लोगों को कमर पानी है, छरहरा जो फिगर है वो आप लोगों को रखना है, तो डेफिनेटली वर्कआउट तो करना ही होगा। तो नेक्स्ट जो लास्ट वर्कआउट है वो आप लोगों के लिए है बाइसिकल क्रंच, और ये बाइसिकल क्रंच जो है आप लोगों को एक अच्छा गुड लुकिंग फिगर दे सकता है। इसमें आप लोगों को सिर्फ योगा मैट की ज़रूरत है, और उस पर आप लोग लेट जाइए, और उसके बाद में आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए बाइसिकल क्रंच करना है। बाइसिकल क्रंच करने के लिए आप लोगों को अपना घुटना मोड़ते हुए क्रॉस जो है नीज की ओर लेकर जाना है, और ये वर्कआउट आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट आप लोगों को नज़र आने लगेगा जब आप लोगों की बैली फैट जो है वो जल्दी रिड्यूस होने लगेगी। तो 40 सेकंड के लिए कीजिए, और अगर आप लोगों को ये सभी वर्कआउट्स अच्छे लगते हों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ का चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये आप लोगों के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को अच्छा फिगर बनाना है तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ के सारे वीडियोज़ देखिए और उन पर जो वर्कआउट्स हैं उनको ज़रूर कीजिए। वन बाई वन करेंगे तो आप लोगों को अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलने लग जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।